यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, लेकिन मैं यहाँ पर आ गया। तो अभी थोड़े टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग था। मुझे और मेरे पूरी बैच के साथ हम कॉपरेट कर दिया गया यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही ज़्यादा पढ़ रहे महीने से, लेकिन जल्दी से देखेंगे कि हाउ इज़ लाइक द यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ऑफ थर्ड ईयर MBBS। तो पूरा माहौल क्या रहता है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को लेके क्या रहता है। तो कल एग्ज़ाम है और देख लेते हैं हॉस्टल में लोग क्या कर रहे हैं। सीरियसली कल एग्ज़ाम थे MBBS ने। तो गाइस टॉपर्स डिस्कशन। अरे भाई कितना पढ़ोगे, बस भाई रुक जाओ। अब पढ़ने में तो जिंदगी है, यही तो लाइन ली है, पढ़ना तो पड़ेगा। लगी पड़ी है अब तो। नींबू पानी और द रिहाइड्रेशन और एनर्जी के लिए रेडी है बिल्कुल। और इनके साथ इसकी इंटेलेक्ट लेके जाएंगे आज और पेपर में किल करके आएंगे। ओके पूजन। तो देखो ये सारी चीज़ तो ले ली है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली दिमाग, वो भी ले लिया है। बेस्ट ऑफ लक बॉयज, बेस्ट ऑफ लक। PSM पेपर 1 डन। द हैप्पीनेस ऑफ गुड पेपर। मजे आ गया। PSM पेपर 2 डन। ऑप्थेल्मोलॉजी डन। सो थर्ड ईयर के मेरे 2 सब्जेक्ट्स और 3 पेपर खत्म हो चुके हैं। तो लास्ट वाला जो ऑप्थेल का पेपर था वो क्वाइट अच्छा था, इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, तो अच्छा रहा। और अब कल मेरा आज एक दिन का ब्रेक है, संडे था इसलिए, और कल होगा अब ENT का पेपर। तो मैं अभी जस्ट पढ़ ही रहा हूँ। ये मेरी लाइफलाइन है जो हर मेडिकल कॉलेज या हर मेडिकल स्टूडेंट यूज़ करता है, IMPs, जिसके बिना ये बुक्स पढ़ना डिफ़िकल्ट है। पूरी बुक्स तो नहीं पढ़ सकते, इसमें मोस्टली सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो सारे कवर हो जाते हैं। ऑल गुड। बस मैं थोड़ा बहुत नोट्स से पढ़ रहा हूँ, बुक्स से। बस अब एक दिन बाकी है, फुल ऑन एक्साइटमेंट है कि कल एग्ज़ाम फाइनली ख़त्म हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज का सबसे कठिन टाइम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स। तो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लाइफ में इतना स्ट्रेस हो तो वो बढ़ के इतना हो ही जाता है। हर टाइम एक चीज़ तो पक्का रहता है, मेडिसिन्स। यार ये दवाइयाँ हर बार मेरे साथ ही होती है, एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, पता नहीं कैसे हो जाता है। लेकिन फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक हर बार इसने मेरा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ा है। और होपफुली इसको भी अब लकीली क्रॉस कर लेंगे, थर्ड ईयर को भी। पढ़ने की जगह पे सब कपड़े पड़े हैं, पूरा रीडिंग टेबल कुछ कुछ चीज़ों से पड़ा है। देखो गाइस बुक भी ना बोल रही है कि अब यार निकलो यहाँ से, क्या कर रहे हो तुम, ख़त्म करो थर्ड ईयर जल्दी। पेपर कंप्लीट करके ओके ENT डन एंड कंप्लीटेड विद द थियरी पार्ट। तो आज मैं और पूरा बॉयज हॉस्टल जाएंगे और साथ में खाएंगे। एग्जाम इज ओवर। किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम। ऐसी तो कोई बैटमैन मूवी की फील नहीं आई, लेकिन ओके ओके ठीक थी, काम चल गया बस इतने। सो नाउ हमारा है प्रैक्टिकल का रिवीजन। तो 2-3 दिन डिफरेंट कॉलेजेस में जहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल है वहाँ पर जाके रिवीजन करना होगा, मतलब क्या क्या चीज़ें उनके पास है और वो सब चीज़ें देखेंगे। सो 2 दिन में मेरे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो 3 प्रैक्टिकल होंगे 3 दिन, और प्रैक्टिकल में मेरे को शायद कुछ भी ना आए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा तो अच्छा दिखो। वहाँ पर जाके थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो I am ready वाइवा के लिए दो चीज़ें प्रिपेयर करनी होती है, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा तैयारी कर लो या फिर अच्छे रेडी हो जाओ। तो समझ गए, मैं अच्छे से रेडी हो गया हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्या कर रहा है ये देखो, इस हमारा ये सौरभ एक्यूपंचर के नाम पे ये तकिया रख के बैठा है। अभी हमारा प्रैक्टिकल है 2-3 दिन में और बस हम स्पोर्ट्स पढ़ रहे हैं और इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि क्या बताऊँ मैं। ला कासे दे पेपल कोई नहीं देखा जा रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो आज हमारा प्रैक्टिकल हमारे कॉलेज में ही है। दो प्रैक्टिकल ख़त्म हो गए। फर्स्ट था पीएसएम का और कल ही ख़त्म हुआ ऑप्थेल का। तो दोनों के दोनों प्रैक्टिकल वैसे तो काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन अगर प्रैक्टिकल्स हो, वाइवा हो और उसमें प्रोफेसर आपकी ले ना, ऐसा तो बनता ही नहीं है। तो हर बार थोड़ा बहुत तो चमके ले ही लेते, लेकिन फिर भी अच्छा प्रैक्टिकल था। का पेपर है और ये लोगों के पास कैलसी भी नहीं है। क्यों आप बोझ आ रहे? कैसी हमारी लाइफ हो गई है कोरोना में। हम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट को आईपैड में पढ़े जा रहे हैं। होप सो कल का प्रैक्टिकल अच्छा जाए। तो संकेत, आर यू रेडी ईएनटी के प्रैक्टिकल के लिए? पूरा रेडी। फाइनली द यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स आर ओवर और आज का ईएनटी का प्रैक्टिकल था वो बहुत ही अच्छा गया और संकेत का भी बहुत ही अच्छा गया है। आप कैमरे में नहीं, कहीं भी नहीं दिखने वाले। Wait a minute. मार देंगे। Now it's fun time. युक्ता, एग्जाम ओवर। मुझे अपने घर जाना है। मैंने किधर होके फोन मारा। ओके तू तो जेब में राखी पछी भूली जईस। हाँ तो टिकिया चेक करे एक ऊपर नहीं कोई। ओके बस ये यही काम करने के लिए आए हैं। He has come to Red Bull Store to see Marvel's video. Please like, share and subscribe. And that is it guys. तो ये था पूरा एग्ज़ाम का एक छोटा सा ब्लॉग। So whole of the exam time was difficult, stressful, enjoyable. लेकिन ये सब तो अभी ख़त्म हो चुका है और फोकस करेंगे नेक्स्ट अब जो आने वाली चीज़ें होगी उस पर. So hope you like the video. Don't forget to hit the like button. Drop the comment down below. How do you feel about the video? Subscribe to the channel. It will be much more meaningful to me. Thank you. और मिलते हैं next video में. तब तक के लिए.